अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आपने मेरी KDA न्यूज़ स्कीम की पिछली वीडियोस को बहुत पसंद किया है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बाखबर रख सकूं। तो वो तमाम अफराद जो मेरे इस चैनल पर आज पहली बार हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि जो मैं वीडियो शेयर करूँ वो आप लोग तक मिल जाए। ये जो वीडियो है KDA नई स्कीम के मुतालिक है। बहुत से अफराद बहुत बेचैनी से इस स्कीम का इंतज़ार भी कर रहे हैं और उसमें कुछ तख़ीर है, उसकी वजूहत तो मुझे उसमें इल्म नहीं, लेकिन एक ख़बर यह है कि ये नई स्कीम फ़ेज़ बाय फ़ेज़ लाई जाएगी। इसका फ़ैसला KDA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सैफुर रहमान की सरबराही में होने वाले KDA एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो इजलास में हुई है, आप देख रहे हैं। और इसका फ़ैसला KDA के डायरेक्टर जनरल सैफुर रहमान की सरबराही में होने वाले KDA एग्जीक्यूटिव बॉडी के इजलास में हुआ। इसमें जो फैसले हुए हैं वो ये हैं। इन स्कीमों में सिर्फ रिहायशी फ्लैट्स, दुकानें और ऑफिसेज होंगे, यानी कि अभी तक इसमें प्लाट्स का कोई जिक्र नहीं है। ये स्कीमें सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए होंगी। ये स्कीमें सरजानी टाउन, कोरंगी और फेडरल बेरिया में होंगी। पहली स्कीम सरजानी टाउन में लाई जाएगी, यानी ये फेज़ बाय फेज़ आएगी और ये पहला जो फेज़ आएगा सरजानी टाउन में आएगा। कोरंगी और फेडरल बेरिया में दूसरे फेज़ में लाई जाएगी। फ्लैटों और दुकानों ऑफिसेज के जो बदरिया खुरानदाजी ये दिए जाएंगे और एक शफाफ तरीके से दिए जाएंगे। जो KDA के डायरेक्टर मार्केटिंग को कहा गया है कि एक जामिया फिजिबिलिटी रिपोर्ट जमा कराई जाए ताकि इसको एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के लिए पेश किया जा सके। तो व्यूअर्स, ये तो थी ताज़ा तरीन अपडेट और जैसे ही कोई इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी तो मैं आपको उससे भी बाखबर रखूँगा। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को वॉच करने का और मैं आप लोग को इस सिलसिले में जो भी पेशरफ्त होगी बाखबर रखूँगा। शुक्रिया।